नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। खबर बाराबंकी से। दिल्ली में चल रहे किसानों के महा आंदोलन में वेटरन्स एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक समाज सेवी वेटरन सूबेदार मेजर जयप्रकाश मिश्र ने आज वहां उपस्थित जनसमूह को अपने जोरदार संबोधन में स्पष्ट रूप से आश्वस्त किया कि देश नहीं बिकने देंगे, देश नहीं टूटने देंगे। उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक सरकार किसान विरोधी तीनों बिल वापस नहीं लेती, यह आंदोलन जारी रहेगा। यह भी कहा कि अब यह आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं रहा, बल्कि यह अब जन आंदोलन बन गया है। अब जवान और किसान एक साथ हैं। अब सरकार को यह समझ जाना चाहिए कि आज का जवान और किसान अनपढ़ नहीं रहा, अब इनको और समय तक गुमराह नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश के सतना जिले में वेटरन्स एसोसिएशन के नव नियुक्त पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण समारोह का आयोजन संगठन के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष समाज सेवी वेटरन एमएल सोनी के उद्बोधन से आरंभ किया गया। उन्होंने अपने उद्बोधन में संगठन से उद्देश्य एवं आगे की योजनाओं के साथ साथ इसके विस्तार पर बल देते हुए सभी से आग्रह किया कि वह संगठित हों और अपने गांव की, नगर की, समाज की और आसपास के वीर नारियों, पूर्व सैनिकों व अन्य लोगों की समस्याओं को जानें और जिन्हें सहायता की आवश्यकता हो उन्हें निशुल्क सहायता संगठन के माध्यम से पहुंचाएं। सतना में पद ग्रहण समारोह बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया, जिनकी तस्वीरें गवाह हैं। हम चौकीदार हैं, जिसको पूछो हम चौकीदार हैं। आज हम वादा करते हैं कि इनको चौकीदार बनाकर ही छोड़ेंगे, ये चौकीदार बनकर ही जाएंगे देश के। मैं जाता हूँ, इतना बढ़ गया है कि पूरी जनता, पूरा किसान, मजदूर और आम जनता अभी तक आप लोगों ने कभी भी इसके पहले। बाराबंकी संवाददाता मोहम्मद अजमल की रिपोर्ट।